हेलो दोस्तों, टेक केयर गाइडेंस में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ, क्योंकि कल शाम को जब मैंने पैसे निकाले, मैं यहाँ जहाँ पे रहता हूँ, मैं वहाँ के यूनियन बैंक एटीएम से मैंने 7,000 रुपये निकाले, जिसमें से एक 2,000 का नोट और एक 500 का नोट कलर निकला। दोनों के ऊपर कलर लगा हुआ था और जो मार्केट में कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर दे रहा था, हर कोई रिजेक्ट कर दे रहा था। मैंने जितने भी चीज़ें होते हैं, जैसे मैं दिखा पा देख रुकिए एक सेकंड दिखा रहा हूँ, ये जितना भी वहाँ पे साइन होता है जिससे पता चलता है असली नोट है, मैंने सब कुछ उससे बोला, लेकिन फिर भी बोला कि हल्का सा कलर लगने या थोड़ा सा भी इस पर लिखा होने के बाद भी ये मार्केट में नहीं चलेगा। तो मैंने रात को ही मैंने कॉल किया यूनियन बैंक के कस्टमर केयर को, मैंने कॉल किया, कॉल करके मैंने बातें बताई तो बोले कि आपका एक एप्लीकेशन लिख के आप जाइए, आपका नोट चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरा अकाउंट पीएनबी में है, तो उन्होंने कहा कि आपका जिस अकाउंट में है, आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप उस बैंक में जाए तो ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि आपका डिटेल उन लोग के पास होगा कि आपने कब किस एटीएम से निकाला है। तो वही मैं आज जा रहा हूँ पीएनबी में। पहले मैं आपको नोट दिखा देता हूँ जो कलर है। सबसे पहले मैं आपको 500 का नोट दिखा देता हूँ, एक ऐसे तो दिखाई देता हूँ, साथ में एक बड़ा सा मैं फोटो भी खींच के रखा, वो भी दिखा दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर लगा हुआ है, यहाँ पे आसानी से आपको दिख पा रहा होगा कलर लगा हुआ है, और यहाँ पे 21 लिखा हुआ है। शायद से कलर लगने के बाद उसे छाटा गया होगा और उसे 21 नंबर दिया गया होगा, और फिर उसे किसी ने एटीएम में डाल दिया होगा असली नोट को चेंज करके या का करके, मुझे नहीं पता है। फिलहाल मैं आपको 2,000 का नोट भी दिखा देता हूँ। 2,000 के नोट में उतना कुछ तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा इंक लगा हुआ है। ये हालांकि एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं इसे चांस नहीं लूंगा। मैं आज जा रहा हूँ बैंक में और इसे भी मैं चेंज करवाऊंगा। मैंने एप्लीकेशन भी लिख लिया है, एप्लीकेशन का भी फोटो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से मैं कुछ कुछ चीज़ें मिस कर दिया हूँ जो आपको मैं नहीं दिखाना चाहता, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे एप्लीकेशन में भी देख पा रहे होंगे। मैंने फोटो भी दोनों आपको दिखा दिए आपको अच्छे से। तो अभी मैं जाऊँगा बैंक, अभी सुबह टाइम नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगा बैंक जाऊँगा, और बैंक जाने के बाद क्या क्या होता है वो मैं आपको आकर सब कुछ बताऊँगा, कि ऐसे में अगर आपका भी हो तो आप क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों, अभी मैं बैंक से वापस आ गया हूँ, काफी दौड़ना पड़ा, क्योंकि जब मैं बैंक में गया तो दूसरे जो काउंटर पे बैठे थे, मैं वहां पे पूछा किसी से, तो उसने बोला कि जाके बैंक मैनेजर से बात करो। और जब मैं बैंक मैनेजर के पास गया तो बैंक मैनेजर बोला कि ये चेंज नहीं होगा, आपने यूनियन बैंक से निकाला है तो आपको यूनियन बैंक में ही जाना पड़ेगा। जबकि मैंने कस्टमर केयर से पूछा था तो उन्होंने साफ बोल दिया था कि आप किसी भी मतलब बैंक में जाइए, आप किसी भी बैंक में जाके ये चेंज हो सकता है। और मैं वहां पे गया तो उसका जो बैंक मैनेजर था उसने ऐसा बोला साफ, इससे पता चलता है कि वो ढीला दे रहा था बात को और वो चेंज नहीं करना चाहता था। फिर वो बोला, उसे मैंने रिक्वेस्ट किया ऐसी ऐसी बातें, सारा मैं फुल एप्लीकेशन लिख के गया था जो मैंने आपको दिखाया। मैंने बोला कि अगर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर मुझे डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाना होगा और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद वो फिर उसने बोला कि ठीक है जाओ और ब्रांच मतलब जो काउंटर है वहाँ पे जमा दे दो पैसा। तो फिर मैं अपना अकाउंट नंबर डाल के मैंने पैसा जमा दिया और वो जो जो पैसा ले रहा था, जो जमा ले रहा था, उसने कुछ नहीं बोला, उसने आसानी से पैसा ले लिया, क्योंकि उसमें बस इतना ही प्रॉब्लम था कि वो कलर था, बाकी नोट पूरी तरह से ओरिजिनल था। और साथ में एक और चीज़ बता दूँ कि वहाँ पे ऐसे केस दो तीन और थे, और साथ में एक केस ऐसा भी था जिसमें एक का नोट फटा हुआ था और वो बोल रहा था कि वो भी एटीएम से निकाला है जिससे नोट फटा हुआ निकला है, और बैंक मैनेजर उसको बोला कि जाओ जमा दे दो, लेकिन वो उसका नोट जमा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, मैं ऐसे एक सुझाव दूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा और सुझाव भी दूंगा कि जब भी आप नोट निकाले तो नोट को अच्छी तरह से वहीं पे चेक कर ले, और कोई भी नोट को आपको डिफेक्टिव लगे, कोई भी नोट में ऐसा लगे कि हाँ वो डिफेक्टिव है, तो जो एटीएम का जो ऊपर का कैमरा होता है, कैमरा में आप शो कर दे, कैमरे में आप दिखा दे उस नोट को, ताकि वो नोट का नंबर दिख जाए और वो कंफर्म हो जाए कि आप उसी बैंक से निकाले हैं, और आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाकर आप किसी में भी उसे जमा कर सकते हैं। अगर आपका नोट फेक नहीं है और सिर्फ कलर है तो आप उसे जमा कर सकते हैं किसी भी बैंक में। और मेरा एक्सपीरियंस वाकई बैंक में जाकर अच्छा रहा, बाकी यूनियन बैंक से मुझे नफरत हो गया है। यूनियन बैंक का वो भी एटीएम नया नया ही खुला था जो कि अब मुझे पसंद नहीं है, मैं यूनियन बैंक से कभी पैसे नहीं निकालने वाला हूँ। एसबीआई का ठीक है, एसबीआई का निकालूंगा मैं, पीएनबी का निकालूंगा, पर यूनियन बैंक का मैं कभी नहीं निकालने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा जो मेरा टाइम बर्बाद हुआ बिना मतलब का, वो मैं कभी दोबारा नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो जो जो स्टेप मैंने लिया वो स्टेप आप भी ले सकते हैं, और वो स्टेप लेकर आप भी अपना काम अच्छे से निकलवा सकते हैं और पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नॉलेज के लिए, अच्छे नॉलेज के लिए। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि ऐसे प्रॉब्लम बहुत निकल रहे हैं और ऐसे प्रॉब्लम के लिए ऐसा सुझाव होना उन लोगों के पास बहुत ही जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।